फ्रांस, मैंने किक के बारे में बताया था, पर आज तक किसी भी वीडियो में किक से डिफेंस कैसे वर्क करना है अपने आप को वो नहीं बताया। तो एक चीज मैं पहला सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई किक मार रहा है, देन किक के पास मत आओ, किक से दूर हो जाओ या पूरा क्लोज आ जाओ किक के पास, तो आपको किक का जो इम्पैक्ट होता है वो नहीं लगेगा। अगर दूर हो जाते हो तो किक लगेगी नहीं, पास आ जाते हो तो इम्पैक्ट कम हो जाएगा। और तीसरा, अगर किक रेंज में रहते हो देन यू शुड नो प्रॉपरली हाउ टू डिफेंड द किक। तो ये देखो रजत, ये रजत है, रजत किक मारो। ये जब मैं दूर हो रहा हूं रजत किक, तो मैं बच गया, रजत किक क्लोज आ गया, रजत किक क्लोज, ऊपर किक क्लोज। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही चीजों में बेनिफिट है। जब मैं दूर हो जा रहा हूँ तो किक लगेगा नहीं और मेरे पास चांस है बैक हो के मारने के लिए। जब ऐसे रेंज में हूँ, मारना स्टार्ट किया, रजत किक क्लोज, क्लोज आ गया तो किक का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं और मैं अंदर हूँ, बट पूरा मेरे पास चांस है अटैक करने की। तो ये तो पहला चीज है। अगर आप क्लोज रेंज में, आप अगर जा नहीं पा रहे हो, आपको लड़ना है, आप जाना नहीं चाहते हो, देन यू शुड नो द डिफरेंस। जैसे अगर कोई सीम किक मारता है तो यहाँ पे मुथाई का टेक्निक है, बेस्ट टेक्निक है एज पर मी। मेरे एक्सपीरियंस से है कि सबसे बेस्ट टेक्निक है मुथाई का टेक्निक, अपने आप को डिफेंस करना। चलो लेग किक रहा, ये है लेग किक, ये यहाँ पे हाथ भी रहता है, क्योंकि अगर किक, अगर वो दिखा रहा है कि किक जैसे यहाँ पे जा रहा है पर मार सकता है, जैसे इसको लग रहा है कि किक यहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं, ये सोच रहा है कि किक पैर पे जा रहा है, ये पर ये, तो उस केस में क्या होता है, ये जो रहता है डिफेंस, अगर ये ऊपर भी चल देता है तो ये रोक लेगा। ठीक है, इस साइड में मारो राजा, ऊपर ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये। तो ये है किक डिफेंस, साइड वाला सीम किक। अगर कोई बंदा ऊपर किक मारता है यहाँ तक पेट के ऊपर, तो आप ये पोजिशन रखो, तो सबसे बेस्ट है लेफ्ट किक, आप अपने आप को ये रखो, तो यहाँ पे किक आके रुक जाएगा। अगर उसको गिराना है, किक मारो, ये पकड़ के उसको गिरा सकते हैं, पर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस। किक कैच करने के लिए टेक्निक जो है उसके लिए स्ट्रांग हैंड भी चाहिए, जैसे रजत किक मारो, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, और आपको प्रैक्टिस कर करके ही किक ब्लॉक कर सकते हैं। और एक बार रजत, ये देखो मैं आपके तरफ दिख रहा हूँ, किक मार रहे हैं, रजत किक फट से, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर कोई किक मारता है, यहाँ पे कनपट्टी पे, तो इसके लिए बेस्ट तरीका है अपने हैंड को इस प्रकार से रखना, इस प्रकार से यहाँ पे, यहाँ पे, और ये कुहनी भी ऐसे रहना जिससे आप डैमेज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे कोई किक मारता है तो अपने आइदर उसको अपने बॉडी से बहुत ऊपर जाना पड़ता है या ऊपर कूद के मारना पड़ता है, क्योंकि अगर ये है तो उसका जो ग्रेविटेशन रहता है, उसका जो ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है वो मतलब गड़बड़ हो चुका होता है। तो उस केस में अगर आप ये भी ब्लॉक करते हैं देन इट इज इफेक्टिव, आपका हाथ नहीं टूटेगा। जैसे रजत यहाँ पे किक मार सकते हो, चलो ऊपर यहाँ पे मारो किक, रजत किक नहीं कर पा रहा है, पर मैं जैसे रजत को बताया हूँ, चलो रजत ब्लॉक करना, ये ब्लॉक करना, ये देखो ये, जब यहाँ पे ये, तो ये मुझे लग रहा है ये यहाँ पे लगेगा। अगर नहीं भी लगा तो ये जो किक है ये यहाँ पे साइड पे रहेगा, तो ये जो किक है वहां पे इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट टेक्निक से किक से अपने आप को बचा सकते हैं। पर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जिसको बोल सकते हैं कि 100 बात की एक बार, जब रियल टाइम फाइट होता है तो आपके दिमाग में ये सब चीजें नहीं आता है, और जब किक मार रहा है अगर आप प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई ब्लॉक कर सकता है। तो इसीलिए सबसे बेहद जरूरी है कि टेक्निक जानना और प्रैक्टिस करना, और स्ट्रीट फाइट में कोई रूल्स नहीं होते हैं, ओनली वन थिंग, बी अलर्ट, यू हैव आइदर टू बी
killed और you have to kill, क्योंकि चोर बदमाश जब आते हैं तो आपको मारने के चक्कर में आते हैं। तो सेल्फ डिफेंस जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई मार्शल आर्ट के जो डेमो या ये के लिए नहीं है, शोकेस के लिए नहीं है, इट इज फॉर योर लाइफ, रियल टाइम फाइट, दिस इज द स्ट्रीट फाइट टेक्निक्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।